मेरे ख्वाब सुभानी कच्छ की सरजमीन पर जमीन आपने देखा हिंड में एक बुजुर्ग फकीर थे, हुजूर गौसे आजम के चाहने वाले, उनको प्यास लग गई। प्यास लगी तो देखा इधर उधर है नहीं कोई, पानी जो ले गए थे वो भी खत्म हो गया। गौसुल आजम जिंदा है, आज भी मदद के लिए आते हैं। मुरीदों में करंट खत्म हो गया है, नमाज का कहा है नमाज पढ़ते नहीं, दरूद पढ़ने का कहा दरूद पढ़ते नहीं, फिर कहें साहब हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, पीर मदद को नहीं आते, पीरों की गलती नहीं, गलती तुम्हारी है, नमाज पढ़ करके फिर दुआएं मांगो, पीरों का फैज नसीब होगा। तो फकीर बेचारा उस रेण की सरजमीन में बैठा रहा, पानी न मिला ना, तो उसने सदा लगाई, या गौसुल आजम आज इस बयाबान जंगल में सिवाय आपके मेरा कोई नहीं है। ए गौसुल आजम आपकी बारगाह में दास्तान है, मेरी मदद को आइए, मेरी प्यास को बुझाइए। तो कहते हैं कि उसने पुकारा सच्चे दिल से, तो घोड़े सवार एक शख्स नूरानी चेहरा साफा बंधा हुआ और करीब आकर के तांबेड़ा लेकर के खड़ा हुआ। उसने पानी पिलाया, पानी पीने के बाद में शख्स ने पूछा, पानी पिया पेट भरा, अब कहा कि सरकार आप है कौन, का आपने किसको पुकारा, का मैंने मेरे पीर को पुकारा, का पीर कौन, का गौसुल आजम, का मैं ही बगदाद से चल के आया हूं, ये गौसुल आजम है। उसने फिर ये मनकबत लिखी, सिंधी जुबान में फरमाते हैं कि सच्चा महबूब सुभानी मरीजन जो जो बचाने दवा आए, मरीजन जो बचाने जो सुभान अल्लाह।